Hi friends, welcome back again our YouTube channel Highway Engineering, and in this video we are discussing about absolute viscosity of bitumen test as per IS 1206 part 2 with lab practical. किस प्रकार से किया जाता है इस टेस्ट को परफॉर्म, पूरा का पूरा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा. वीडियो की हेल्प से भी हम समझेंगे और स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे. डियर फ्रेंड, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा भी स्किप मत करना, पूरा देखना. वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी के अभी, जिससे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके पास में भेज सकूँ. चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं कि विस्कोसिटी टेस्ट करना क्यों है. भाई, बिटुमेन की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है कि हमारा जो बिटुमेन है वो किस ग्रेड में हमें लाइक कर रहा है. वो BG20 है, BG30 है, BG40 है या BG10 है. किस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से हम डिटरमाइन करेंगे कि हम ये BG30 बिटुमेन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसकी विस्कोसिटी को टेस्ट करना होता है. तो अगर हम BG20, BG30 और BG40 बिटुमिन के लिए विस्कोसिटी टेस्ट का परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कैनन मैनिंग 13 नंबर विस्कोमीटर ट्यूब को यूज करना होता है. अगर हम BG10 के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो हमें कैनन मैनिंग 12 नंबर विस्कोमीटर ट्यूब का यूज करना होता है. डियर फ्रेंड, जैसे जैसे हम नंबर्स ऑफ साइज बढ़ाते जाते हैं, हमारी विस्कोसिटी की रेंज भी बढ़ती जाती है. तो हमारा जो BG10 है उसकी विस्कोसिटी BG20-30 की अपेक्षा कम रहती है, तो इसलिए हम वहाँ पर 12 नंबर विस्कोमीटर ट्यूब का यूज करते हैं. तो आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड, इसके बारे में आपको छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि आपको आगे टेस्ट को समझने में आसान कर देगी. ठीक है, ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये हमारा कहलाता है सैम्पलिंग लेवल. यहाँ तक हम क्या करते हैं, 90 डिग्री तक, मैक्सिमम 90 डिग्री तक हीट किए हुए बिटुमिन को इस लेवल तक पोर कर देते हैं. ठीक है, इस लेवल तक पोर करते हैं. इस लेवल को पोर करने के दौरान क्या होता है, आपका सेल्फ ग्रेविटी से ही हमारा बिटुमिन है इस लेवल तक, दोनों तरफ इस लेवल तक पोर हो जाता है. आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब या विस्कोमीटर ट्यूब का चार्जिंग भी कहते हैं. इस चार्ज की हुई वैक्यूम ट्यूब को, विस्कोमीटर ट्यूब को हम क्या करते हैं 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्री हीटेड ओवन में, पहले से ही हम उसका 135 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं ओवन का, उसमें हम 10 ± 2 मिनट तक इस वैक्यूम विस्कोमीटर ट्यूब को उस ओवन के अंदर रख देते हैं. आफ्टर जब हम 10 मिनट बाद इसको बाहर निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को वाटर बाथ में 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 30 मिनट तक रखते हैं. फिर इसके बाद हम इसमें 300 mmHg या 30 cm Hg का वैक्यूम अप्लाई करते हैं. वैक्यूम ट्यूब को यहाँ पर फिट कर देते हैं और 300 mmHg का वैक्यूम अप्लाई करते हैं. वैक्यूम अप्लाई करने पर क्या होता है, हमारा बिटुमिन राइज करना स्टार्ट होता है. राइज करने के दौरान हम क्या करते हैं, यहाँ पर बल्ब बने हुए होते हैं, अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं. ये सेक्शन बी है या बल्ब बी है, ये सेक्शन सी या इसको बल्ब सी भी बोलते हैं, और ये बल्ब डी है. इसका जनरल यूज हम नहीं करते हैं, इसका कोई भी कैलकुलेशन में यूज नहीं आना है. जनरली जो रीडिंग लेना है बल्ब बी के लिए लेना है और बल्ब सी के लिए लेना है. अब करना क्या होता है, 300 mmHg के वैक्यूम से हम इसका संक्शन करते हैं. यहाँ पर हम एक पाइप लगा देते हैं, उस पाइप से इसका संक्शन किया जाता है. तो जब हमारा बिटुमिन पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर रहता है, यहाँ से ये राइज करते हुए बल्ब बी के बॉटम लेवल तक पहुँचता है. जैसे ही इस बल्ब बी के बॉटम लेवल को ये टच कर लेता है, आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है. स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने के बाद में क्या करेगा, ये बिटुमिन हमारा कंटिन्यू राइजिंग स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यू राइज करता है. जैसे ये हमारा बल्ब बी के टॉप लेवल तक पहुंचता है, ये टाइम आपको नोट करना होता है, यही हमारा बल्ब बी के सेक्शन को फ्लो टाइम कहलाता है. बल्ब बी का फ्लो टाइम हो जाएगा हमारा जो बल्ब बी के बॉटम लेवल से बल्ब बी के टॉप लेवल के बीच में जो बिटुमिन का फ्लो टाइम लगा है वो आपको सेकंड में नोट करना होता है. इसके बाद कंटिन्यूटी रखना है, टेस्ट को आपको पॉज नहीं करना है, कंटिन्यू आपको करना है. तो ये सेक्शन सी के एरिया में ये हमारा बिटुमिन आ जाता है. तो हमारा जो सेक्शन सी या बल्ब बी का जो टॉप लेवल है और सेक्शन सी का बॉटम लेवल है, इस लेवल से जब हमारा बिटुमिन राइज करते हुए सेक्शन सी या बल्ब सी के टॉप लेवल को टच करता है, ये टाइम आपको नोट कर लेना है.
तो जनरली होता क्या है कि हमारा स्टॉप वॉच कंटिन्यू चलता है। तो जैसे सपोज करते हैं कि हमारा बल्ब बी के बॉटम लेवल से बल्ब सी के टॉप लेवल तक आने में हमें लगे लगभग 60 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है। और ओवरऑल जो हमारा बल्ब सी है, बल्ब सी के टॉप लेवल तक जाने में ओवरऑल हमें टाइम लग गया 300 सेकेंड, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमारा बल्ब बी का रीडिंग हो जाएगा 60 सेकेंड और बल्ब सी का रीडिंग हो जाएगा 300 माइनस 60, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 240 सेकेंड। तो बल्ब सी के लिए जो रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 240 सेकेंड, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे क्या करना है, इस जो सेकंड में रीडिंग आई है इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है इसके कांस्टेंट वैल्यू से या इसके कैलिब्रेशन फैक्टर से। तो मैं आपको अप्रोक्स कांस्टेंट वैल्यू जहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि आपको IS कोड 1206 पार्ट 2 में भी मिल जाएंगी, बल्ब बी के लिए भी और बल्ब सी के लिए भी। तो हमारा 30 नंबर वैक्यूम ट्यूब है, तो 30 नंबर के लिए बल्ब बी का जो कांस्टेंट है वो लगभग 60 पाउज पर सेकेंड के आसपास रहता है, और बल्ब सी के लिए हमारा रहता है लगभग 20 पाउज पर सेकेंड। इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है जो फ्लो टाइम है उसके साथ में। आगे वो डिस्कस करेंगे, मैं आपको समझाते जाता हूँ। एक वीडियो की हेल्प से हम यहाँ पे लैब प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे और समझेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं प्रैक्टिकल के दौरान, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नाइन्टी डिग्री तक हीट किया हुआ बिटुमिन हमें लेना है, लगभग 20 ग्राम बिटुमिन को आपको हीट कर लेना है अबव सॉफ्टनिंग पॉइंट और बिलो 90 डिग्री। ये आपकी 30 नंबर वैक्यूम बिस्कोमीटर ट्यूब होती है, ठीक है। इसमें आप नंबर दिख रहा है आपको 13। फिर आपको इसमें क्या करना है, इस वैक्यूम जो आपकी बिस्कोमीटर ट्यूब है इसके अंदर आपको बिटुमिन को पोर करना है, और प्लस माइनस 2 mm का आप इसमें एरर अगर आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको पोर कर लीजिए बिटुमिन को, एंड देन इस वैक्यूम ट्यूब को, बिस्कोमीटर ट्यूब को आपको 135 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में इस प्रकार से वर्टिकली इसको रख देना है और टेम्परेचर सेट करना है 135 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 मिनट के बाद आपको इसको वाटर बाथ में रखना है 30 मिनट के लिए 60 डिग्री के टेम्परेचर पे। जब 30 मिनट्स हो जाए तो आपको इसमें कनेक्ट करना है वैक्यूम पंप को। वैक्यूम पंप का आपको पहले से ही एडजस्टमेंट कर लेना है, 300 mm Hg या 30 सेंटीमीटर का वैक्यूम इसमें आपको अप्लाई करना होता है, तो आप पहले से ही चेक करके रख लीजिएगा। जब 30 मिनट्स हो जाते हैं तब आपको वैक्यूम पंप को स्टार्ट करना है और 300 mm Hg का वैक्यूम वहाँ पर एडजस्ट करना होगा। इस प्रकार से आप कनेक्ट कर लीजिए अपनी वैक्यूम ट्यूब को, और आपको करना क्या है, 30 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। 30 मिनट के बाद आपको इसमें संक्शन स्टार्ट करना है वैक्यूम पंप की हेल्प से। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हमारा बिटुमिन ये बल्ब बी है, हमारा बल्ब बी के बॉटम को टच करता है, आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और देखेंगे आप हमारा बिटुमिन धीरे धीरे ऊपर राइज होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये बल्ब बी के टॉप लेवल पे आएगा वो टाइम आपको रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ पर आपको चेक कीजिए कि 300 mm Hg या 30 सेंटीमीटर Hg का वैक्यूम अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। जैसे ही हमारा बिटुमिन बल्ब बी के टॉप लेवल को टच करेगा, ये हमारा बल्ब बी है, इस बल्ब बी का टॉप लेवल मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे बल्ब बी का टॉप लेवल है, इसको जैसे ही टच करेगा ये, वो टाइम हमें रिकॉर्ड कर लेना है, तो वो बल्ब बी की रीडिंग हो जाएगी, या बल्ब बी का फ्लो टाइम भी आप इसको बोल सकते हैं। ये हमारा टाइम आ गया है 55.97 सेकेंड। कंटिन्यू करना है इसको, स्टॉप नहीं करना टेस्ट को। बल्ब बी के टॉप लेवल से होते हुए हमारे बल्ब सी की तरफ जाएगा बिटुमिन, बल्ब सी के टॉप लेवल को जैसे ही टच करेगा वो टोटल टाइम आपको नोट कर लेना है। ये हमारा बल्ब सी का टॉप लेवल है, ठीक है। ये बल्ब सी का टॉप लेवल है, इस लेवल तक आने में कितना टाइम लग रहा है वो हमें नोट करना है।
ठीक है, या अभी बल्ब सी के मिड में आ गया है, टॉप लेवल तक हमें वेट करना होगा। ये इसका टॉप लेवल है। फाइनल टाइम को रिकॉर्ड कर लीजिएगा जैसे ही ये आपके टॉप लाइन को टच करता है बल्ब सी के ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो ओवरऑल टाइम लगा है वो लगा है 2:38:66। इतना हमें टाइम लगा टोटल। इसमें से अगर हम बल्ब बी का टाइम माइनस कर दें 55.9 सेकेंड, तो बल्ब सी का हमारा टोटल टाइम हो रहा है 1:38:69। ठीक है, इतना टाइम हमें लग गया है, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके हमें कैलकुलेशन में इसके मल्टीप्लिकेशन करने हैं, वो किस प्रकार से करने में आपको बताता हूँ। ठीक है, बल्ब बी की रीडिंग है हमारी 55.97 सेकेंड, फ्लो टाइम है 55.97 सेकेंड, और कैलिब्रेशन फैक्टर इसके लिए 56.4225, विस्कोसिटी इन पॉइज है पर, तो ये अब क्या करेंगे 55.97 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कैलिब्रेशन फैक्टर पॉइज पर सेकेंड से 56.4225 का, तो बल्ब बी की विस्कोसिटी आ गई 3157.967 पॉइज। ठीक है, इसके बाद बल्ब सी के लिए देखेंगे तो टोटल फ्लो टाइम है हमारा 98.69 सेकेंड, कैलिब्रेशन फैक्टर 19.0251, तो विस्कोसिटी इन पॉइज हो जाएगी 1877.587 पॉइज। इन दोनों की एवरेज वैल्यू हमें लेनी है 2517.777 पॉइज। अब ये आ किस रेंज में रहा ये भी आपको यहाँ पर टैली करना है डियर फ्रेंड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारी रीडिंग आई है 2517.777 पॉइंट्स, तो ये आप देखेंगे तो हमारे बीजी 30 की रेंज में यहाँ पर 2400 से 3600 की रेंज में ये आ रहा है, यानी कि हमारा जो बिटुमिन है वो बीजी 30 बिटुमिन है। ओके डियर फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के पे भी मैं ये IAS कोड ये PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलता हूँ, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर